राजनीति में कद का बढ़ना जितना आनंद देता है उससे ज्यादा तकलीफ देता है कद का घटना। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया। जी हां, आपको बता दें कि अशोक तंवर जो है अब भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भंवर जब राजनीति से प्रेरित हो तो अच्छे अच्छों का वजूद खत्म कर देता है, और तकलीफ ज्यादा तब होती है जब किसी ने 5 सालों से अपने वजूद को तपस्या से जो है तपस्या और जहर के घूंट पी करके बना हो। लेकिन उस वक्त उन हालातों को समझने का जिनकी वजह से सब्र और जंग के समंदर में उछाले गए एक पत्थर से किसी के गिरेबां को जख्मी कर गए हों। देखिए खास रिपोर्ट। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। ये तस्वीरें, ये नारे, ये शोर, ये हल्ला, ये गुस्सा, ये बेरुखी, ये बेअदबी और ये बगावत सुनकर उस गली ने सब्र किया कि जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। मैंने भी कह दिया तलाक तलाक तलाक, तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए, तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए, तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए। जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया कि ये एक पेड़ है, आज से मिलके रो ले हम, यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं, क्योंकि हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। माना बम हो मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत, मैं नहीं सोचूंगा। तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। देख रहे थे खड़े खड़े, किसी ने रोकने का नाम न लिया, गुस्सा जताते सब हैं, पर किसी ने होश से काम न लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बगावत करने की? और अब कांग्रेस सोच रही होगी कि बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तंवर के इस्तीफे ने न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस को भी असमंजस में डाल दिया। जया, तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की सभी कमेटियों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सियासत के अखाड़े में उतरे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का खून 2019 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उबाल मारने लगा है कि अब नहीं होता बर्दाश्त, पार्टी के फैसले का इंतजार करना ही नहीं। मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी है जिसकी कॉपी भी आप सबको हम दे देंगे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इन तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह हम लड़ते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। 10 साल तक सत्ता की रबड़ी का जमकर स्वाद लेने वाले हरियाणा कांग्रेस के मंत्री भी तंवर के रुख से भौचक्के रह गए कि ये क्या कर दिया जनाब।
मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी है जिसकी कॉपी भी आप सबको हम दे देंगे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इन तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह हम लड़ते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। अशोक तंवर के लहजे और उनके मतलब को समझें तो उनकी बातों से साफ ये पता चलता है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर पार्टी में नाटक पुराना चल रहा है। तभी तो हुड्डा को सियासत के कटघरे में खड़ा कर तंवर बिना नाम लिए कह गए कि कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत है। तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की सभी कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये महज इस्तीफा नहीं था, ये एक खीज है जो पिछले लंबे समय से अशोक तंवर अपने सीने में दबाए बैठे थे, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, सृजन हैं, कृतियां हैं, ये उनके मन की बात है, कभी कल्पना कभी हकीकत और अब टूटी हुई आस है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। कहते हैं गुटबाजी जब अपनी चरम सीमा को पार कर देती है तो अंदर से एक आक्रोश निकलता है, और राजधानी दिल्ली के 10 जनपद रोड पर अशोक तंवर के अंदर का आक्रोश निकला था। देखिए इस रिपोर्ट में। जब जिंदाबाद के नारे पार्टी की जगह किसी एक नेता के लिए लगने लगे और शब्दों से रिश्ते दर्द जब बगावत के जख्म का परिचय देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति अब ऐसे मुकाम पर काबिज हो गई है जहां मैच तो हर कोई खेलना चाहता है मगर किसी और के मैदान पर। अशोक तंवर और उनके समर्थकों का यह 10 जनपद पर हंगामा देखकर वो गाना याद आ जाता है कि हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। हरगिज न थे पर हम वफा। अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पहुंचे अशोक तंवर ने जब बोलना शुरू किया तो एक ही झटके में पूरी हरियाणा कांग्रेस को लपेट लिया और कह दिया कि लोकसभा हरवाने वाले यही थे। तो क्या हर चीज में जाकर के दबाव बनाओ और आखिर में 10 की 10 लोकसभा की सीटें निपटवा दी। तंवर ने सभी को आड़े हाथों लिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तंवर एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर आए थे, तभी तो तंवर ने खुद हुड्डा के स्टाइल में जोड़ लिए हाथ और झुका दी गर्दन। कहते हैं जब अंदर की आग निकलती है तो सब कुछ राख कर देती है। तंवर के मुंह से जब बगावत के सुर बहे तो बहती गंगा में सबके नाम बूंद दर बूंद डूबते चले गए। मानव बम का मतलब समझते हैं ना आप? इसका मतलब होता है जब एक इंसान बम पहनकर खुद को उड़ा ले। अशोक तंवर ने खुद की तुलना उसी मानव बम से की, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। छत्तीस बिरादरी एक करिए, छत्तीस बिरादरी के प्यारे, तो इसलिए हमने कहा भाई इनको इनमें से किसी को दे दो, जो अच्छा लगे उनको दे दो, लेकिन यूं सोचोगे ना कि तंवर को भी और इनको भी खत्म कर देंगे, तो भाई आर पार की लड़ाई है, मानव बम हूँ मानव बम। आज शायद अशोक तंवर सोच कर आए थे कि थकना मना है, तभी तो मिनट दर मिनट पल दो पल बगावती सुर तेज होते गए। तंवर ने ये तक कह दिया कि कांग्रेस का नाश करने वाले लोगों को खदेड़ेंगे और मुझे मारने के लिए गोली मारनी होगी। अहिंसा की लड़ाई प्यार प्रेम से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, और इसी तरीके से जो कांग्रेस का नाश करना चाहते हैं उनको भी हम खदेड़ देंगे। कांग्रेस अब असमंजस में फंस गई है। अगर हुड्डा की तरफ से सोचें तो वो कह रहे होंगे कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए हैं यहाँ देने नसीहत हमको, और तंवर समर्थकों को लेकर इसलिए पहुंचे कि उन्हें लग रहा होगा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, इसलिए महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। राम से भाई, दस जनपद में जब ये सब हो रहा था उस दौरान अशोक तंवर ने टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया था। इन आरोपों को लेकर कुमारी शैलजा ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप कुछ सुनिए। सबसे बात की होकर कमेटी ने सबसे बात की है और उस पर फिर फाइनली सीईसी की छाप लगी है। तो ये पार्टी का सिस्टम है जो हमेशा होता है, हर चुनाव में
लेकिन मैडम आरोप लगाया गया सोनिया गांधी के घर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। 5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप है। अबे किसने दिए किसने लिए ये इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये सिस्टम है जो हमेशा पार्टी में हमेशा होता है कि टिकट बांटने का नीचे से ऊपर तक सबसे बातचीत की जाती है, सबसे नाम लिए जाते हैं, सब अपना अपना इनपुट देते हैं और वो फिर अलग अलग स्तर पर उस पर डिस्कशन होकर फिर सीसी में जाता है और वहाँ पर फाइनल होता है। वो हमेशा हुआ है और अभी भी। नहीं, प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा का बयान आपने सुना कि टिकट वितरण में नॉर्मल प्रोसीजर जो हमेशा चुनावों में फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया गया, लेकिन अब तंवर के आरोपों को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा उसको उन्होंने भी निराधार बताया। इस दौरान हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। हैं आप उनसे पूछो, कोई ऐसा है तो उनको देना चाहिए। निराधार बात ना उसने कहा है, आज भी मैंने अखबार पढ़ा, उसने कहा मेरे नहीं किसी समर्थक ने कहा है। तो भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, वो साफ तौर पर कहते नजर आए मैंने नहीं कहा समर्थक ने कहा है। फिलहाल समर्थक ने कहा क्या हुआ वो तो चुनावों के परिणाम बताएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।